बिसमिल्लर नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स न्यू बुक गैस पेपर 2002 के लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह आज हम नाइन्थ क्लास के फ़िज़िक्स जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स जो अहम हैं उनको डिस्कस करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं पहले पहली बात वही है कि जैसे कि फोटी परसेंट एम सी क्यूज की बात है अगर वो गैस पेपर आता है तो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे कर लेंगे लेकिन बा, मुख्तर बात जो पहले भी पेपर्स पे पहले भी गैस पेपर्स पे कही गई है कि इम्पॉटेंट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट क्यूरीज़ यही हैं जो आ रही हैं इन्हीं में से ही वो पेपर भी अगर बनेगा तो इनमें से ही बनेगा ठीक है टेंथ क्लास फिज़िक्स का आ, गैस पेपर पहले अपलोड किया गया है उसमें भी तफसील से ये सारी बात समझाई गई लिहाजा इसको यहाँ दोबारा कहने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है ठीक है पेपर पैटर्न जो फिलहाल अभी है वो यही है जैसे कि पहले बताया कि एम हैं बारह मार्क्स के सेक्शन ए सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नाइन अटैम्प्ट करने होंगे ठीक है इनमें फिफ्टीन जो है वो थियोरटिकल है और फिफ्टीन नोमरिकल हैं सेक्शन सी की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है एटीन मार्क्स का ठीक है टोटल आपके सेवेंटी फाइव मार्क्स हो जाएंगे ठीक है एम जो है उसके लिए ये ख़ास तौर पर सुन लें कि एम जो है वो बुक्स में से जितने आ रहे हैं ठीक है मैं इंशाल्लाह उनको एक दो दिन में जो बुक्स के जो एम हैं उनको मैं सरसरी से हल करा दूँगा उसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग हम नहीं करेंगे वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ये शुरू करेंगे हम उस मेरा इरादा है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं मैथ के साथ साथ फिज़िक्स को जो है वो लेकर चलूंगा तो इनशाला उसमें हम कर लेंगे बहरहाल एक सरसरी सी नज़र जो बुक के एम सी क्यूज हैं उनको हम इन शाम नेक्स्ट एक दो दिन में देख लेंगे समरीज को नजर में रखिएगा समरीज जितनी भी चैप्टर्स की हैं आपके नाइन चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स की समरीज में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एम सी क्यूज आ सकते हैं बाकी इन शाला जो है वो एम सी क्यूज बुक के जो है वो चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें हम तो शॉर्ट कोसचन आंसर्स जो हैं ये आपके सामने आ रहे हैं

Distance, volume and work. Vector quantities की बात करें तो तो ठीक है, है, इनके इनके जो एग्जाम्पल्स आनी चाहिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है सब आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट <coughs> जो है वो टॉर्क और मोमेंटम डेफिनेशन ये आनी चाहिए आपको रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर स्टेटिक डायनेमिकलेबेरियम और कंडीशंस जो है एक्लेबेरियम की वो आपको पता नहीं चाहिए फोर्स एंड टॉर्क डेफिनेशन बॉयल्स लॉ हुक्स लॉ पासकल लॉ ठीक है डिफाइन वर्क एंड इट्स फार्मूला एंड यूनिट स्पीड एंड वेलोसिटी ठीक है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है काइनेटिक मोलिकुलर थ्री ऑफ मैटर ये डेफिनेशन जो हैं आ, आपको पता होनी चाहिए ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये याद रखें कि ये आपका जो पेपर है इसके अंदर ये अगर आप देखें तो चंद आ, दस पंद्रह सवाल ही है हैं पूरी बुक में से ही अगर आप इसको देखें एक सफ़े के अंदर तमाम क्वेश्चंस को जो है ये आ, कर दिया गया मुझे हैरानगी होती है कि लोग कैसे कहते हैं कि पूरी बुक जो है वो ले ली गई है जबकि ये एक पेपर के अंदर चंद गिनती के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ रहे हैं बहरहाल इन चीज़ों से ही मोटिवेशन होती है आदमी को ज्यादा से ज्यादा करने की जस्तजु होती है ठीक है बहरहाल तो ये जो है डिफाइन हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ एपराइजेशन ठीक है राइट डाउन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग एसिड बेंजीन क्लोरोफॉर्म वाटर डिफाइन पावर इट्स यूनिट फार्मूला इनपुट आउटपुट पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ़ फ्यूजन थर्मल एंड एक्सपेंशन ठीक है ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है आया टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आई थिंक ये ट्वेंटी सेवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और अगर हम पेपर को भी देखें तो पेपर में आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं यहां मैं दिखा भी दू ठीक है एट क्वेश्चन होते हैं एट क्वेश्चन होते हैं और उसमें से पांच आपको करने होते हैं तो ये तो पूरे पेपर में आठ क्वेश्चन होते हैं आप अगर अभी से याद करना शुरू करें तो इन ये चौबीस पच्चीस क्वेश्चन आपको बसानी जो है वो याद हो जाएंगे एक पका पकाया जो है एक कहना चाहिए फल आपके सामने आया हुआ है और उसको भी अगर कोई ये कहे कि ये पूरी की पूरी बुक है तो हैरानगी है इस बात पे बहरहाल समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है तैयारी जो अभी से शुरू करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी जो नहीं करेगा उसके लिए तो कोई हल भी नहीं है एक दिन भी हो एक साल भी हो वो कुछ नहीं कर सकता दूसरी ये कि ये जो नाइन क्लास की जो फिज़िक्स की बुक है ये न्यू बुक है इस पर आप कहना चाहिए कि टेन ईयर फाइव ईयर से भी तैयारी नहीं कर सकते तो इस तरह की कोई चीज़ मिल जाना ये बहुत ही किस्मत की बात होती है आ, आसानी के लिए बच्चों की और ख़ासतौर पर नाइन टेन के बच्चों के लिए ये किया जा रहा है दिया जाता है ताकि वो आसानी से इस चीज़ की तैयारी कर सकें दूसरा एक बात और मैं कहता चलूँ कि वीडियो पूरी देखा करें बीच में बहुत सारी काम की चीज़ें आती रहती हैं तो ये जो है इसमें जो चीज़ उर्दू मीडियम वालों को क्योंकि टाइम ज़रा कम होता है और उसमें कम टाइम में जो है ये चीज़ पूरी करनी होती है उर्दू मीडियम के बच्चों को अगर कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो वो मुझे कहना चाहिए कि कमेंट पे बता दिया करें तो मैं उसको इनशाला अलग से बता दूंगा या कोई वीडियो वगैरह बना दूंगा उस पर ताकि वो भी समझ में आ जाए ठीक है डिफ्रेंशिएशन के कुछ सवाल हैं वो पता होने चाहिए डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ट्रांसलेटरी रोटेटरी वाइब्रेटरी मोशन में क्या फ़र्क है स्केलर वैक्टर क्वान्टिटीज में क्या फ़र्क है मास एंड वेट में फ़र्क क्या है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है फर्क काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फर्क स्पीड एंड वेलोसिटी का फ़र्क हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फर्क हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन इन दोनों का फर्क पता होना चाहिए बिटल वेलोसिटी और सेटेलाइट एक्सप्रेशन का फर्क पता होना चाहिए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी पता होना चाहिए इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं ये अलग से नहीं है ये सिर्फ डिफ्रेंशियन का सवाल है इनमें से बहुत सी चीज़ें ऊपर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ रही हैं ठीक है तो यूँ कहें कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कोई नई चीज नहीं है बेस क्वांटिटीज उनकी एसआई SI यूनिट्स आपको पता होना चाहिए ठीक है लेंथ इसका एल सिंबल है ठीक है यूनिट नेम इसका मीटर है जिसका सिंबल एम है आ, ये सिंबल्स जो हैं आ, ये याद रखें ये स्मॉल में आएंगे सिवाए एम्पेयर के एक है अच्छा मास जो है उसका सिंबल एम है और यूनिट इसकी किलोग्राम है ऐसा यूनिट वो के से शो की जाती है टाइम सिंबल टी है ठीक है आ, यूनिट नेम इसका सेकंड है और वो एस से शो किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट सिंबल आई है और यूनिट नेम एम्पेयर है कैपिटल ए से शो किया जाता है ठीक है टेम्परेचर इसका सिंबल टी है यूनिट नेम कैलवन है और यूनिट नेम जो है उसका सिंबल जो है वो के है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एल है ठीक है मोल इसका यूनिट है जो इस तरह मोल करके लिखा जाता है थोड़ा सा चेंज होता है एम इसका लेकिन बहरहाल ये इसी तरह लिखा जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका सिंबल एल एन है कैंडल इसका यूनिट है सी डी से शो किया जाता है ठीक है तो ये यूं कहें कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो एक उनकी समरी है जिनको आप आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ आएं तो उसमें डेरीवेशन हैं कुछ जो एम डेरिव p पी इजल टू एफ वी ठीक है डेरिव एस इजल स्क् माइनस वी आई स्क्वायर डेराइव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पी इजल टू एम जी एच डराइव एफ इजल टू जी एम वन एम टू डिडेड बाई आर स्क्वायर ठीक है प्रूव दैट बीटा इजल टू थ्री अल्फा ये सारी डेरीवेशन आपको आनी चाहिए फ्रिक्शंस की ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ठीक है अच्छा फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पता हो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की पता हो सेंट्रिफिकल सेंट्रिफिकल फोर्स इसकी एक्सप्लेशन से इसका सब कुछ पता होना चाहिए इनके फार्मूले पता होने चाहिए आर्शमी प्रिंसिपल ये बहुत अहम है ठीक है इसको अच्छी तरह देखा हो इसको अच्छी तरह पता हो आपको डिफाइन मोमेंटम स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन इट विद योर डेली लाइफ एक्सपीरियंसिस मजीद ये कुछ और आ रहा है इंटरवेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी फॉर मशीन

इम्पॉटेंट नमेरिकल्स विद एग्ज़ैम्पल्स क्योंकि एग्ज़ैम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट होती हैं वो पूरे के पूरे आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे इन शिंक भी मैं डिस्क्रप्शन में डाल दूंगा तो ये आप देख रहे हैं जिन जिस जिस जगह ये सिर्फ वही पेजेज़ हैं पूरी बुक के तकरीब सेवेंटी फाइव पेजेज़ हैं ये ठीक है अब आप ये देखें आसानी इतनी की है मैंने कि टू एटी पेजेज़ हों या टू फिफ्टी हों या टू थर्टी हों ठीक है उसमें से मैं सेवनटी सेवेंटी फाइव पेजेस कर देता हूँ लेकिन कुछ लोगों को उसके बावजूद भी जो है ना उनको चाहिए होता है कि पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन जो है वो पूरा साल में वो याद करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता आदमी को जो है वो मेहनत बहरहाल करनी पड़ती है और ये बुक जो है कोई भी बुक आपको सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप उसमें से इम्पॉर्टेंट आधे सवाल याद कर लें या दस बारह या सवाल याद करें याद रखें आपकी जो किताबें होती हैं वो आपका मुस्कबिल होती हैं उनमें से आपको एक एक चीज़ हर हर चीज़ आपको हंड्रेड परसेंट पता होनी चाहिए ये है कमाल के स्टूडेंट की बात ठीक है इंपॉर्टेंट तो इसलिए किए जाते हैं कि आजकल दौर ऐसा है कि बच्चे करते नहीं हैं या ये कि बस अगर नहीं हो रहा तो यार इतना तो कुछ कर लो इस वजह से की जाती हैं वरना होना यही चाहिए कि पूरी की कि पूरी, कि पूरी किताब आपको पता हो हर चीज़ उसमें आपको उसके बारे में इल्म हो हर चीज़ का आपको उसमें जो है वो महारत हो बहरहाल एक थोड़ी सी बाहर की बात हो गई कन्वर्ट द फॉलोइंग वाली ये टिक लगे हुए हैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं ये पेज नंबर ट्वेंटी एट है ठीक है पेज नंबर ट्वेंटी नाइन है शायद ये ये टिक लगे हुए हैं ठीक है साइंटिफिक नोटेशन है प्रोफिक्स हैं ठीक है डेंसिटी वॉल्यूम के कुछ आ, हैं क्वेश्चन अच्छा है, इसमें जो निशान लगे हैं उसमें क्वेश्चन और नमेरिकल्स दोनों में लगे हैं तो आप खुद देख लीजिएगा कि उसमें हो सकता है इसमें जिन क्वेश्चन को निशान लगे हैं वो इस डॉक्यूमेंट में भी मौजूद हैं जो मैंने अभी आपको सामने शेयर किया है ठीक है और बाकी ये कि नमेरिकल्स में जब निशान आएंगे चैप्टर टू के पेजेस शुरू हो गए ठीक है ये देखें मोशंस के जो है उन पर टिक लगा हुआ है तो इनमें एग्जाम्पल्स आएंगी तो एग्जाम्पल्स पे भी और नुमरिकल्स पे भी टिक लगे हैं आप उनको अच्छी तरह जो है वो याद कर लीजिएगा देख लीजा ये वर्क सैंपल है ठीक है ये भी आपको आनी चाहिए ये आनी चाहिए ठीक है तो ये अब हम पेज नंबर फोर्टी पे आ गए हैं और यकीनन ये जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है ठीक है तो इस तरह आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को जब देखेंगे तो आपको उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नमेरिकल्स काफी सारे मिल जाएंगे इस डॉक्यूमेंट को भी अच्छी तरह देख लीजिएगा इस डॉक्यूमेंट को भी अच्छी तरह देख लीजिएगा ठीक है इसको दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सबका फायदा हो नाइनथ की बुक न्यू है नाइन्थ का कोर्स न्यू है बहुत से स्कूलों में टीचर्स भी नहीं मिले हैं सही पढ़ा नहीं पाए हैं तो ये आपके लिए साल के लिए एक आसानी है कि आप इसको देखकर जो है वो दूस, अपने लिए भी फ़ायदा करें और दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाएँ क्योंकि इल्म का पहुँचाना जो है इल्म को फैलाना एक मुसलमान की एक अच्छी आदत है और यह अजहर मुसलमान के अंदर होनी चाहिए ठीक है तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स से फ़ायदा उठाएं इन इसको मैं जो है लिंक पे अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हमारे चैनल पर जो है अकेडमी के लिहाज से भी और दूसरे कहना चाहिए कि प्रोफेशनल वगैरह के लिहाज से भी इन अच्छी वीडियोज़ जो है अपलोड होती रही हैं होती रहेंगी और तो ये इसको लाइक करें शेयर करें दूसरों को भी बताएं इसके बारे में ताकि तमाम लोग इससे तमाम स्टूडेंट्स तमाम नौजवान इससे फ़ायदा उठा सकें